हे नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम जो यहाँ पर अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले रियलमी बर्ड्स वायरलेस हेडसेट का, हम जो इसे रियलमी के ब्लूटूथ ईयरफोन भी बोल सकते हैं और इसे जो हम नेक बैंड भी बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो बॉक्स आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ आपको रियलमी बर्ड्स वायरलेस यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अंदर की तरफ आपको जो अपना ईयरफोन इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ईयरफोन आपको ईयरफोन के नीचे आपको और एक जगह दिखेगी जहाँ पर आपको एक और एक छोटा बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसमें आप कुछ और इक्विपमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो यूजर मैनुअल इसमें देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, हालांकि इसे कोई पढ़ता नहीं, तो चलिए इसे बाजू में रख देते हैं आपको। और इसमें जो एक केबल देखने को मिल जाएगा जिससे आप जो अपने ईयरफोन को यहाँ पर चार्जिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने जो मोबाइल के चार्जर से भी जो इसे इजीली चार्जिंग कर पाओगे। और बात करें तो आपको जो इसमें कुछ ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको एक पेयर ऑफ बड़े ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे और एक पेयर ऑफ आपको थोड़े छोटे ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे। आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जो इसे यूज कर सकते हैं। और आपका जो ईयरफोन है उसमें भी एक पेयर ऑफ ईयर टिप्स लगे हुए मिल जाएंगे, मतलब आपको 6 ईयर टिप्स इसमें जो है देखने को मिल जाएंगे। चलिए अपने ईयरफोन को दिखा देता हूँ आपको। ईयरफोन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको कुछ इसका ओवरव्यू दे दूंगा। तो चलिए इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो चलिए मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले इसके डिजाइन की बात कर ले तो डिजाइन काफी प्रीमियम देखने को मिलता है। और कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कलर कॉम्बिनेशन काफी बेहतरीन दिया गया है। येलो और ब्लैक का जो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है काफी अच्छा और काफी प्रीमियम दिखता है। एक महंगा आपको जो है ब्लूटूथ ईयरफोन की तरह पर फील देता है। और बात कर ले इसके जो नेकबैंड का जो पीछे का पार्ट होता है, जो आपके कॉलर के पीछे आता है, उसका तो काफी अच्छा दिया गया है। वो अगर दूसरे ईयरफोन के अगर नेकबैंड की अगर बात कर ले तो जो प्लास्टिक का देखने को मिलता है। एमआई की अगर हम बात करें तो एमआई में भी जो है काफी प्लास्टिक का देखने को मिलता है और काफी मोटा जो है देखने को मिलता है आपको। लेकिन इसमें आपको ये जो है पूरा रबर कोटिंग देखने को मिलता है और काफी आपको पतला और काफी छोटा यहाँ देखने को मिलता है। अगर साइज की हम बात, अगर आप थोड़ा नीचे आ जाए तो हमें जो यहाँ पर कुछ बटन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको प्लस और माइनस का बटन जो है वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज करने में जो यहाँ पर हेल्प करेगा। और जो बीच में आपको रियलमी के ब्रांडिंग वाला बटन देखने को मिल जाएगा, इससे आपको जो है काफी कुछ कर पाओगे। जैसे कि आप इसे दो बार प्रेस करते हो तो आप नेक्स्ट सॉन्ग में चले जाओगे और तीन बार प्रेस करने से जो आप प्रीवियस सॉन्ग में आ जाओगे। पर एक दो सेकंड अगर इसे प्रेस करके रखते हो तो आप इसे जो है गूगल असिस्टेंट और सीरी जो है यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। और थोड़ा ज़्यादा देर आप प्रेस करके रखते हो तो आप इसे जो है ऑफ भी कर सकते हो। और इसी इस पर जो आपको यहाँ पर एक चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिल जाएगा जिससे आप जो इसमें चार्जिंग कर सकते हो। आपको जो केबल बॉक्स में दिया गया, आप चाहे तो उससे चार्जिंग कर पाओगे या फिर अपने मोबाइल के चार्जर से भी इजीली जो इससे चार्जिंग कर पाओगे। और बाजू में आपको कुछ इसी तरह का एक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको जो रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और वहाँ पर आपको जो यहाँ पर मतलब आपको बैटरी जो है देखने को मिलेगी। अगर बैटरी की अगर हम बात कर ले तो 110 mAh की जो आपको इसमें बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 12 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर ले इसके चार्जिंग टाइम की, तो चार्जिंग टाइम आपको जो है 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का जो इसमें चार्जिंग टाइम लग जाएगा। और बात कर ले आपको जो रियलमी ये भी क्लेम करता है कि अगर आप 10 मिनट तक इसमें चार्जिंग करते हैं तो आपको जो 100 मिनट तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम जो ये वाला ईयरफोन दे देगा। तो काफी अच्छा जो है आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। बेसिकली 110 एमएच की इसमें जो बैटरी है उससे आपको 12 घंटे तक का जो है यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा है। अगर इस प्राइस की हम नेकबैंड की बात कर ले या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन्स की अगर बात कर ले, तो कौन सा भी आपको जो ईयरफोन ये 12 घंटे का जो है बैटरी बैकअप नहीं दे पाता है। तो चलिए और इसमें स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ा मैं आपको बता दूँगा। इसमें आपको जो है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलेगा, जिससे आप जो iOS, Android और विंडोज से जो इजीली इसे कनेक्ट कर पाओगे। और वायरलेस रेंज आपको जो है 10 मीटर तक देखने को मिल जाएगी, जो कि सभी इसमें आपको नेकबैंड या ब्लूटूथ ईयरफोन में देखने को मिल जाती है। और बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस आपको 1799 रुपये में देखने को मिल जाएगा ये वाला ईयरफोन। उसके बारे में बात करें आगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो वायर है इसके, तो वायर का कलर जो है येलो कलर वो काफ़ी अच्छा दिखता है, ब्लैक कलर के साथ अच्छे से जो यहाँ पर मैच करता है। और अगर लेंथ की बात कर ले तो आपको जो वायर का लेंथ काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, काफ़ी छोटा वायर का लेंथ आपको नहीं दिया गया है, वायर का लेंथ जो है अच्छा खासा बड़ा ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब मेन बात कर लेते हैं अपने ईयरबड्स के बारे में, तो वो आपको ज़्यादातर जो प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा और ईयर टिप्स जो है आपको रबर के देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी जो है ईजिली कान में जो आपके ईयर में जो एडजस्ट हो जाएंगे, तो देखने में काफ़ी अच्छे है। और प्लास्टिक और रबर का यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर ईयरबड्स की अगर बात कर ले, और बात कर ले जो आपको जो कान में एडजस्ट करने के लिए ऊपर मिलते हैं वो भी आपको जो है रबर के ही यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरे इसमें अगर बात करें दूसरे आपके नेकबैंड में, तो वो भी जो है यहाँ पर प्लास्टिक का मिलता है, लेकिन रियलमी ने जो है वो भी आपको जो है यहाँ पर रबर का ही दिया है, जिससे कि काफ़ी कम्फर्टेबल आपको लगता है और ज़्यादा देर तक जो आप इसमें म्यूज़िक सुन पाओगे ईजिली। और बात कर ले अगर आप, मैंने अब तक आपको वो नहीं बताया कि आप किस तरह से जो इसमें
किस तरह से जो है इसमें आप जो है यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर पाओगे, तो सबसे पहले मैं वो आपको बता दूँ किस तरह से ऑन ऑफ कर पाओगे। तो आपको जो यहाँ पर मैग्नेट मिलता है जिससे जो है आप दोनों ईयरबड्स को जो यहाँ पर मैग्नेट की मदद से अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर मैग्नेट की मदद से ही जो है आप अपने ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जैसे आप मैग्नेट की मदद से इसे अटैच करते हैं तो ब्लूटूथ ऑफ हो जाएगा, और जैसे आप इसे जो है डी अटैच करते हैं दोनों ईयरबड्स को, तो यहाँ पर जो आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। तो रियलमी ने कुछ इस तरह का आपको सेंसर दिया है अपनी जो है ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करने के लिए। तो चलिए अब जो है मैं इसके जो साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। मैंने जो इसे काफ़ी सारे इसमें जो यहाँ पर टेस्ट किया है, मैंने जो इसे टिकटॉक देखा था, ऑनलाइन म्यूजिक, यूट्यूब और गेम्स भी काफ़ी प्ले करके देख लिया। तो मेरे एक्सपीरियंस के बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसका साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ एक बार, उसके बाद जो है मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सुना देता हूँ, उसके लिए मेरा एयर जो माइक है वो मैं नीचे की तरफ रख देता हूँ यहाँ पर। और चलिए मैं आपको जो है ब्लूटूथ की मदद से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अपने मोबाइल में सिंपली इसे ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद जो है आप अपने ब्लूटूथ के सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको रियलमी बड्स का ऑप्शन दिख जाएगा। आप वहाँ पर इस पर क्लिक करते जो तो ये ऑटोमेटिकली जो कनेक्ट हो जाएगा। तो रियलमी ने यहाँ पर और एक फीचर भी दिया है, उसके बारे में आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आपको जो है अगर आपके नेक बैंड में कितनी चार्जिंग बची हुई है अगर आपको वो देखना है तो भी जो है अपने मोबाइल में देख सकते हो। जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो नेक बैंड की चार्जिंग जो अपने मोबाइल में शो करता है। तो ये वाला भी फीचर रियलमी ने काफ़ी अच्छा दिया है। तो चलिए मैं अपने जो यहाँ पर अपने ईयरफोन में भी जो यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ और अपने मोबाइल से जैसे कनेक्ट कर लेता हूँ। और चलिए मैं आप जो YouTube से एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और वो प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में जो यहाँ पर फुल साउंड कर दिया है और मुझे यहाँ तक जो यहाँ पर साउंड आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने ये पार्ट में जो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी हटा दिया है। तो आपको म्यूजिक हल्का हल्का जो यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा अगर आप जो ईयरफोन की मदद से ये वाला वीडियो देख रहे होगे। तो चलिए मैं एक एक करके आपको जो यहाँ पर म्यूजिक सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक ईयरफोन रखकर यहाँ पर सुना देता हूँ किस तरह से आपको साउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दूसरा वाला भी रखकर दिखा देता हूँ कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर दोनों ईयरफोन आप साथ में लगाते हो तो किस तरह से आपको जो साउंड क्वालिटी मिलती है और कितना लाउड आपको साउंड यहाँ पर सुनाई देता है। तो आप जैसे कि आपने देखा दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा था तो दोनों यहाँ पर जो यहाँ पर एक से एक अटैच हो जा रहे थे, क्योंकि इसका मैग्नेट पावर भी अच्छा खासा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम भी आपको कभी कभी देगा। फिर भी मैं इसे अलग करके फिर भी एक बार जो है फिर से यहाँ पर प्ले करता हूँ म्यूजिक। तो आप सुनिए दोनों इसमें आपको किस तरह का जो यहाँ पर साउंड क्वालिटी सुनाई देता है। तो जैसे कि आपने देख लिया दोस्तों, आपको जो है साउंड जो है काफी लाउड देखने को मिलता है और साउंड क्वालिटी जो है काफी क्लियर इसमें सुनाई देती है। अगर आपको नहीं सुनाई दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, साउंड क्वालिटी काफी क्लियर और म्यूजिक काफी लाउड आप इसमें सुन सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते मेरे एक्सपीरियंस। सबसे पहले ऑनलाइन म्यूजिक की अगर बात कर ले, ऑनलाइन म्यूजिक अगर आप स्ट्रीम करते हो जैसे कि हो गए सावन वगैरह हो गए, उससे ऐप्स की मदद से, तो काफ़ी अच्छा आपको म्यूजिक आने वाला है। बिल्कुल भी आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाली है। आपको साउंड काफ़ी लाउड अगर सुनना चाहते हो तो आप वो भी सुन सकते हो। साउंड काफ़ी क्लियर है, बेस म्यूजिक भी आप इसमें जो इजीली सुन पाओगे। और बात कर ले टिकटॉक की, तो टिकटॉक में काफ़ी सारे वीडियो मैंने इसमें देख लिए थे, काफ़ी अच्छा जो है मुझे साउंड सुनाई दिया और म्यूजिक जो है काफ़ी एक्यूरेट आ रहा था। क्या ऐसा नहीं है कि एक दो सेकंड मुझे लेट यहाँ पर साउंड सुनाई दे रहा था, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी एक्यूरेट म्यूजिक आ रहा था। और बात कर ले YouTube की, तो YouTube में बिल्कुल भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला अगर आप YouTube देखते हैं ज़्यादातर, तो बिल्कुल भी आप इसे जो है परचेस कर सकते हैं, क्योंकि YouTube में इतना भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। नॉर्मल साउंड आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा जो है आपको YouTube के लिए हेल्प होगा। और बात करें लास्ट में गेमिंग के लिए, तो गेमिंग के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, गेमिंग के लिए जब आप हाई एंड गेमिंग खेलते हो अपने मोबाइल में और ब्लूटूथ की मदद से आप जो साउंड सुनते हो, साउंड बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं आता ज़्यादातर टाइम। तो इसमें भी ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिली थी, मुझे साउंड जो है एक दो सेकंड लेट आ रहा था जिससे गेम खेलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आप गेमिंग के लिए इसे परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि गेमिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा ये वाला ईयरफोन नहीं है। तो चलिए हम जैसा सब मैंने बता दिया, तो ओवरऑल अभी ईयरफोन की बात करते हैं कि इस प्राइस में आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए ओवरऑल बात कर ले अगर इस प्राइस रेंज के अंदर इसकी प्राइस की अगर बात कर ले, तो प्राइस आपको 1800 रुपये में ये वाला जो ईयरफोन आपको देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन की वाइज, डिज़ाइन वाइज डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन की वजह से आप इसमें 10 में से 10 दे सकते हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और कलर भी जो है इसमें यूज़ किया गया येलो और ब्लैक का काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी प्रीमियम दिखता है। और जो इसमें रबर का ज़्यादातर यूज़ किया गया है जिससे आपको जो है काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा, तो उसके हिसाब से आप इसमें 10 में से 10 दे सकते हैं। और साउंड क्वालिटी अगर बात कर ले तो साउंड आपको जो काफ़ी लाउड सुनाई देता है, काफ़ी लाउड साउंड सुनाई देगा और एक्स्ट्रा बेस म्यूजिक भी आप इसमें सुन सकते हो। म्यूजिक क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है इसके। अगर इससे कंपेयर कर ले हम दूसरे नेकबैंड से या दूसरे MI के नेकबैंड से यहाँ पर, जो कि 200 रुपये सस्ता ही आपको मिल जाएगा, उसमें जो आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, लेकिन इसमें आपको जो है 200 रुपये एक्स्ट्रा लगाने से 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
और MI के इससे कंपेयर कर तो काफी सारी चीजें आपको जो है रियलमी के इस नेकबैंड में काफी अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे कि वो जो है काफी आप उसका जो है पीछे का जो पार्ट है नेकबैंड का काफी प्लास्टिक का देखने को मिलता है और काफी मोटा देखने को मिल जाएगा आपको, लेकिन इसमें काफी छोटा मिलता है और आपको जो है रबर कोटिंग मिलती है ऊपर से। आप चाहे तो इसे कॉलर के पीछे भी छुपा सकते हैं, इतना पतला आपको जो है देखने को मिल जाता है और कलर कॉम्बिनेशन की मैं पहले ही बता चुका हूँ काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इतने सारे फीचर्स के साथ अगर हम बात कर ले इसकी, अब चाहे तो दूसरे इसमें जो कलर्स में भी अवेलेबल है अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट में आपको ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल जाएगा। इतने सारे फीचर्स के साथ अगर बात कर ले इस प्राइस रेंज के अंदर, आपको अगर 2000 रुपये के प्राइस रेट के अंदर एक अच्छा सा नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन परचेस करना है तो आप जो है डेफिनेटली ये रियलमी के इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो आपको ईयरफोन देखने को मिल जाएगा। दूसरे ईयरफोन से कंपेयर भी करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो आपको इसमें स्पेसिफिकेशन के साथ साथ बैटरी बैकअप और डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना।